नित्यानंद मुनि जी महाराज की 26वीं पुण्यतिथि पर श्री शिव मठ धाम में चल रही नव दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा के अंतिम दिन व्यास गद्दी पर आसीन राम जी महाराज ने कथा सुनाते हुए भक्तों से कहा कि शिव महापुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी शिव का अर्थ है, कल्याण है। शिव के महात्मय से ओतप्रोत ये पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं उन्होंने शिव महापुराण कथा का सार बताया। इस अवसर पर स्वामी रत्नेशानंद जी, सीमा बहन, श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष अशोक बंसल, गीता भवन अध्यक्ष बसंत गोयल, महासचिव राजेंद्र गार्गी, विमल शर्मा, रविंदर बबला, लखविंदर शेरू, चिमन लाल, अनिल बंटी, लाल बहादुर, जितेंद्र जिंदल, राजेश मंगा, नरेश कुमार, प्रेम कुमार, देवराज, डॉक्टर मक्खन, विजय गर्ग, कुलवंत, रामधन, रोहित गर्ग, राजेश गोयल, राकेश कुमार, देवेंद्र चौहान, वैद्य केवल कृष्ण, दर्शन शर्मा सहित अन्य भक्त जन भी मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। भोलेनाथ को लगा मानो कैलाश में कोई बड़ा सा बादल टूट गया। जो जोर की आवाज सुनी भोले बाबा ने चारों हाथ ठोके और जोर से रोने लगे, बोले शंकर भगवान की। इतना रोए भैया अनसुईया भागी भागी आई, गोदी में उठाया, हृदय से लगाया, बेटा क्या हुआ? बोले बाबा कहते वहां पे बड़ी सी, बोले तो सही, चुड़ैल है। अगर संतों की तपस्या देखना है, संतों का तप देखना है, संतों का बल देखना है, चित्रकूट जाइए। चित्रकूट में संतों की वो साधना है कि भगवान को भी बालक बन के चित्रकूट जैसी जगह में रहना पड़ता है। क्षमा में क्षमा चाहती हूँ तुम्हारी शरण में, अब मैं सती हूँ।